हाय बच्चों, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ कि अगर आप अब जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए वेदांतु आपकी कैसे मदद कर सकता है और आपको क्या करना है। तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट पे मैंने वो सारी आंसर्स लिखे हुए हैं जिनका जो आपको आप ढूंढ रहे हो, मतलब कि बहुत सारे जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप बहुत कुछ एक्सेस भी कर सकते हैं। मैं भी समझा भी देता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट पे एक्जैक्टली क्या है। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा जो कि एकलव्य का इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट चैनल है। वहाँ से काफ़ी चीज़ें ड्राइव हो रही हैं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करके रखिए, अदरवाइज आप काफ़ी चीज़ें मिस कर लेंगे। और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक और टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि वेदांतु के फाउंडर्स का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे फाउंडर्स अवेलेबल होते हैं, बच्चों से बात करते हैं, और आप अगर डायरेक्टली उनको रीच आउट करना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करना। ये डॉक्यूमेंट है क्या? ये डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि आप किस तरीके से जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं और वेदांतु आपकी उसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि वेदांतु हेल्प करता है एकलव्य प्रोग्राम के थ्रू। और एकलव्य प्रोग्राम जो होता है ये कुछ सेलेक्टेड बच्चों को दिया जाता है उनके पर्सेंटाइल के बेसिस पे। एकलव्य में एडमिशन के लिए हमने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करे थे नवंबर के महीने में और जनवरी के महीने में। उनको जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो ऑलरेडी एकलव्य का पार्ट बन चुके हैं, उनकी जेई एडवांस की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जिन बच्चों ने एडवांस इन टेस्ट को मिस कर दिया था या फिर इन टेस्ट को दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और अब वो जेई मेन पर्सेंटाइल पर रिलाई कर रहे हैं एकलव्य में ज्वाइन करने के लिए, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो जेई मेन की पर्सेंटाइल को रिलीज होने में अभी टाइम लगेगा। रिलीज होने के बाद भी अराउंड 7 to 8 days हमारी टीम को लग जाएगा आपको एनरोल करने के लिए। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन को हम वेस्ट नहीं होने देना चाहते, मतलब कि इसमें भी एडवांस की तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। तो इस पीरियड में हम किस तरीके से एडवांस की तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लान ये है कि आप लोगों का बैच, यानी कि उन बच्चों का बैच जो जेई मेन पर्सेंटाइल के बेसिस पर एकलव्य को ज्वाइन करेंगे, उनके बैच को हम अभी के लिए बी बैच का नाम दे देते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ज्वाइन कर लिया था उनके बैच को हम ए बैच कह देते हैं, और जो बच्चे परसेंटाइल के बेसिस पर ज्वाइन करेंगे उनका नाम हम बी बैच दे देते हैं। बी बैच पे जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो प्राइमरीली इंग्लिश होगा, पर ये हम टीचर के ऊपर छोड़ देते हैं कि टीचर जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, वो जिस लैंग्वेज में बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, वो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। बट हाँ, प्राइमरली वी रिक्वेस्ट द टीचर्स टू स्पीक इन इंग्लिश। इस बैच को हम अराउंड 20 फरवरी तक ओपन बैच की तरह चलाएंगे। ओपन बैच का ये मतलब हुआ कि इस बैच को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मतलब कि कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई भी, लिटरली कोई भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये 20 फरवरी तक होगा। उसके बाद हमारे पास परसेंटाइल्स आ चुकी होंगी, तब तक हमारी टीम जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को बैच में, प्रॉपर बैच में एनरोल भी कर चुकी होगी। तो उसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो एक क्लोज बैच की तरह होंगी। क्लोज बैच का मतलब फिर वो वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे होंगी और केवल वही बच्चे उन सेशंस को ज्वाइन कर पाएंगे जो बैच में एनरोल्ड होंगे। जो बैच में एनरोल्ड नहीं होंगे वो उन सेशंस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी ने मान लो 20 फरवरी तक इस बैच को फॉलो करा, ठीक है, और उसके बाद मान लो वो एकलव्य में एलिजिबल नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होगा? तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक बैच बनाएंगे जिनको कि हम कहेंगे रिकॉर्डिंग वाला बैच, मतलब जिसको हम नाम देंगे जेई एकलव्य जेई 2024 रिकॉर्डिंग ओनली बैच। इस बैच में हम क्या करेंगे, जो ए या बी बैच है किसी भी एक बैच की रिकॉर्डिंग हम कंटिन्यूअसली इस बैच के अंदर शेयर करते रहेंगे, जिससे कि बच्चे अगर प्रोग्राम को, एकलव्य प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एकलव्य के बी बैच में एडमिशन, उनको हम रिकॉर्डिंग वाले बैच में एनरोल कर देंगे एंड देयर दे कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो बी बैच की कट ऑफ क्या होगी? बी बैच की जो कट ऑफ होगी वो होगी 95% फॉर ओपन कैटेगरी एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर हमने इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए परसेंटाइल का थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखा था, इस बार हमने ओवरऑल ही रिलैक्सेशन कर दिया है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 96% की थी, इस बार हम चाहे इंटरनल बच्चा हो चाहे एक्सटर्नल बच्चा हो सभी के लिए 95% की कट ऑफ रख रहे हैं। अब ये बात आ रही है कि ओपन बैच को हम अटेंड कैसे करेंगे, मतलब ओपन बैच में यानी कि 20 फरवरी तक कैसे अटेंड करेंगे और शेड्यूल ऑफ सेशंस क्या है। तो पहले मैं शेड्यूल ऑफ सेशंस बता देता हूँ। यहाँ पे एक लिंक है, आप इस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो एक डॉक ओपन हो जाएगा। ये देखिए एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको जो सेशन का प्लान है वो दिखाई दे रहा है। इसमें 20 फरवरी तक के भी है और उसके आगे का भी है, मतलब पूरा आगे तक का जो प्लान है यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें से बस ये है कि जो 20 फरवरी तक का है वो ओपन प्लेटफॉर्म पे होगा। ठीक है, तो ये है सेशन शेड्यूल। ठीक है, अब इन सेशंस में कवर क्या होगा, क्या इन सेशंस में थ्योरी पढ़ाई जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इन सेशंस में थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इन सेशंस को अटेंड, इनमें डिस्कशंस होंगे। ठीक है, तो आपको हर एक सेशन से पहले एक स्टिपुलेटेड होमवर्क को फिनिश करके आना है। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है और उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस में जो भी डाउट्स आए थे उन डाउट्स का डिस्कशन इन सेशंस के अंदर होगा। यानी कि जिन सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ ये डाउट डिस्कशन सेशंस हैं। ठीक है, तो थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, डाउट का डिस्कशन होगा।
और अब सवाल ये उठता है कि भाई वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमको सॉल्व करना आना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस अगेन यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएंगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, ठीक है। सेम चीज अगर आप हार्ड कॉपी में यूज करना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी आप परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी कहाँ से परचेज होगी उसका लिंक भी यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे जाके हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी को डिलीवर होने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, इसलिए अगर आपका इरादा है एक लवे बैच को फॉलो करने का, बेटर है कि आप हार्ड कॉपी को जल्द से जल्द ऑर्डर कर दें, ठीक है। हार्ड कॉपी यूज करना मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जब टीचर्स आपको क्वेश्चंस में डाउट्स बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चंस के साथ कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं अपने, तो फिर हार्ड कॉपी जो होती है वो ज्यादा फेवरेबल होती है। हार्ड कॉपी आपके लिए रिविजन भी आसान बना देती है, तो रिकमेंड मैं यही करूंगा कि सब लोग हार्ड कॉपी यूज करो। अब मैंने बताया था कि जैसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आपको पता है कि क्या कंटेंट आने वाला है, मतलब कि नेक्स्ट सेशन में क्या डिस्कशन होने वाला है आपको पता है, आपने सॉल्व भी कर लिया है, अब आपने डाउट कैसे पूछोगे, क्या सेशन ज्वाइन करके आपको टीचर को बताना है कि मुझे ये क्वेश्चन बता दो, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से सेशंस में मतलब काफी क्योस हो जाता है, मतलब आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो चैट के थ्रू, चैट पे नंबर आते हैं, टीचर को समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसीलिए आपको सेशन से पहले, सेशन से मिनिमम 1 घंटा पहले, ठीक है, एक ये जो फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर अपने डाउट्स भर देना, मतलब इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो अगेन एक फॉर्म ऊपर हो जाएगा, इसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगी, ठीक है, और अपना बैच सेलेक्ट करेंगे, अपना ईमेल आईडी वगैरह देंगे, ठीक है, एंड यू विल एंटर द क्वेश्चन नंबर जो कि आप चाहते हैं कि टीचर क्लास में कवर करे, ठीक है। ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है, या मैंडेटरी कह लो या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप इस फॉर्म के अंदर उन क्वेश्चन नंबर्स को फिल करेंगे जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके इनपुट के थ्रू हम एक फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने बच्चों ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चों ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 कितने बच्चों ने पूछा, इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो क्वेश्चन ज्यादा बच्चों ने पूछा होगा उन क्वेश्चन को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम सारे का सारा पूरा कंटेंट 3 घंटे में डिस्कस कर दें, तो हम उन क्वेश्चन को प्रेफर करेंगे जिनको ज्यादा बच्चों ने पूछा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात पर रिलाई ना करें कि कोई ना कोई तो फॉर्म भरी देगा या कोई ना कोई तो इस क्वेश्चन को पूछ ही लेगा। मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया था, उससे भी नहीं हो पाया था, वो फॉर्म भर चुका है तो उसने पूछ ही लिया होगा, तो मुझे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी कम रह जाएगी क्वेश्चन की, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन फिर डिस्कशन में उठे ही ना, ठीक है। तो फॉर्म जरूर भरना, जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है मॉड्यूल को, ठीक है, यूनिट सॉल्व किया है, उन लोगों को डेफिनेटली फॉर्म भरना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं सेशन अटेंड कैसे करूं, क्योंकि जब बैच में एनरोल हो जाएंगे तब तो बड़ा आसान है, आप अपने vedantu.com पे लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल के लॉगिन करेंगे, आपको सामने सेशन दिख जाएगा। लेकिन जब तक बैच ओपन बैच की तरह ऑपरेट हो रहा है, यानी कि 20 फरवरी तक, तब तक हम सेशन कैसे ज्वाइन करेंगे, तो अगेन तो इन सेशन को ज्वाइन करने के लिए जितने भी लिंक्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वापस एक लिंक दे रखा है मैंने, तो यहाँ पे सारे सेशन की डेट, कौन सा सब्जेक्ट का है, क्या डिस्कस होना है, टाइमिंग क्या है, टीचर कौन होंगे, और ये लिंक है, इन लिंक्स पे क्लिक करके आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सेशंस का रीप्ले अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन सेशंस को लाइव ही अटेंड करें, ठीक है। तो ये पूरे सेशंस की 20 फरवरी तक के जो सेशन है उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। यही लिंक, ये सेम लिंक एकलव्य का जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट चैनल है उसमें भी पॉपअप होगा ऑन द डे ऑफ द सेशन। जैसे अगर आज सेशन है, आज सेशन है एक्चुअली में, मतलब कि आज अगर सेशन है सपोज करो, तो फिर आज सुबह 10 बजे ये लिंक अपने आप ही उस टेलीग्राम चैनल पे पॉपअप हो जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो बेस्ट है कि इस पीडीएफ को अपने पास सेव करके रखो, आपको शेड्यूल में दिखता रहेगा, एंड जो भी डेट हो उस समय आप ज्वाइन कर लेना। तो क्या इस बैच में टेस्ट लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। तो टेस्ट का पूरा शेड्यूल इस लिंक पे क्लिक करके चेक किया जा सकता है कि कब कब टेस्ट होना है, ठीक है, कहाँ, तो ये पूरा का पूरा टेस्ट का शेड्यूल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कब कहाँ पे कितने टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है टेस्ट का पूरा प्लान, आपको दिखाई देगा। ये टेस्ट एकलव्य ए और एकलव्य बी के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, यानी कि उनके कोर्स का पार्ट है, एकलव्य के बैच का पार्ट है। वेदांतु के जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं संकल्प या मंथन बैचेस के, उनको भी ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी बच्चों को इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, बाकी बच्चों का मतलब मान लो अगर आप रिकॉर्डेड बैच को फॉलो कर रहे हैं, आप रिकॉर्डेड बैच में एनरोल्ड हैं, तो आपको, या कोई ऐसा बच्चा जो कि क्लब में है नहीं, फॉलो भी नहीं कर रहा लेकिन बस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उन लोगों को टेस्ट सीरीज परचेज करनी पड़ेगी। तो परचेज करने का लिंक यहाँ पे दे रखा है, इसको यूज करके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे जो मैं एंटिसिपेट कर पाया कि एकलव्य को फॉलो करना अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितने भी लिंक्स, जितना भी कंटेंट, जो कुछ भी चाहिए, वो सारा का सारा इस डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट है। ये डॉक्यूमेंट इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए एंड यू विल गेट एवरीथिंग। आई होप दैट हेल्प्स, आई होप टू सी मेनी ऑफ यू इन एकलव्य बैच, एंड क्रैक IIT JEE एडवांस एंड गेट टू IITs वेरी सून।
टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।